आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। देश की स्वतंत्रता और आजादी में हमारे इस सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को न जाने कितनों ने लूटा, लेकिन एक समय वो आया जब देशवासी एकजुट होकर देश की आजादी में कुर्बान तक हो गए। उन्हीं की यादों को संजोने और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को इसका महत्व बताने के लिए प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। इसमें क्या कुछ खासियत है, देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बनाए गए प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन 14 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसमें देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यों का प्रदर्शन होगा। पहले इसे नेहरू संग्रहालय भवन के नाम से जाना जाता था। अब इस संग्रहालय में नेताओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भारत के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों पर संग्रहालय विकसित किया गया है और साथ ही ये संग्रहालय सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को लोगों के सामने लाएगा। फिर वो चाहे उनकी विचारधारा या फिर कार्यकाल में किए गए काम ही क्यों ना हो। इन 75 वर्षों में देश ने अनेक गौरवमय पल देखे हैं। इतिहास के जरोखे में इन पलों का जो महत्व है वह अतुलनीय है। ऐसे बहुत से पलों की झलक प्रधानमंत्री संग्रहालय में भी देखने को मिलेगी। मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम संग्रहालय भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संविधान के निर्माण तक की कहानी बताएगा। इसमें बताया गया है कि कैसे हमारे प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न चुनौतियों से देश को उबारा और देश की चौतरफा प्रगति सुनिश्चित की। संग्रहालय भवन की डिजाइन उभरते भारत की कहानी से प्रेरित है। भावी पीढ़ी के लिए ये एक बड़ी प्रेरणा का माध्यम बनेगा। यहां प्रधानमंत्रियों से संबंधित दुर्लभ तस्वीरें, भाषण, साक्षात्कार, मूल लेखन जैसी स्मरणीय वस्तुएं रखी गई हैं। इसे नेताओं के हाथों का आकार दिया गया है तो वहीं डिजाइन में टिकाऊ और ऊर्जा संरक्षण के इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में जिस तीन मूर्ति भवन की पहचान अब तक नेहरू मेमोरियल म्यूजियम से थी, वो आज के बाद प्रधानमंत्री संग्रहालय के तौर पर जाना जाएगा। इस संग्रहालय की लागत करीब 271 करोड़ रुपए आई है। इसे 2018 में मंजूरी मिली थी और 4 साल के भीतर ये बनकर तैयार हो गया। ये संग्रहालय नेहरू म्यूजियम के करीब 10,000 वर्ग मीटर की जमीन पर बना है। भारत के संविधान को भी प्रधानमंत्री संग्रहालय में जगह दी गई है। ये संग्रहालय आजादी के बाद भारत की कहानी को अपने प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के जरिए बताएगा। ये संग्रहालय दुनिया को दिखाएगा। ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसा अनुभव देगा जैसे हम वाकई उसी दौर में जी रहे हैं, उन्हीं प्रधानमंत्रियों के साथ सेल्फी ले रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। इस सेंटर के लिए प्रधानमंत्रियों से जुड़ी जानकारी दूरदर्शन फिल्म डिवीजन, संसद टीवी, रक्षा मंत्रालय, मीडिया हाउस, प्रिंट मीडिया, विदेशी समाचार एजेंसियों, विदेशी मंत्रालय के तोशखाना आदि संस्थाओं से जुटाई गई है। यही नहीं, पूर्व पीएम के बारे में बहुमूल्य जानकारी जुटाने के लिए उनके परिवारों से भी संपर्क किया गया। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
तो आजादी के बाद से अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनके जीवन से जुड़ी कहानियां, उनके योगदान सभी को इस प्रधानमंत्री संग्रहालय में युवा जान सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों तक भी जानकारी पहुंचाने का इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।